हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जनरल अवेयरनेस के ऊपर है और उसमें बेसिकली जो टॉपिक का पोर्शन है या नेम है वो है फीफा वर्ल्ड कप जो अभी अभी कल ही कंप्लीट हुआ है और इस पर किसी भी एग्जाम में आप कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन आने वाले हैं, चाहे फिर आप NDA, CDS, SSC, बैंकिंग, PSC किसी का भी एग्जाम देंगे तो ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो मैडम ये टॉपिक कवर कर रहे हैं, इसके आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्या क्या क्वेश्चन प्रोबेबल पूछे जा सकते हैं वो भी मैडम आपको बताएंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड कप हो गया, कौन जीता है कौन नहीं हारा ये तो अलग बात हो गई, इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में आएंगे सेशन के दौरान। तो उन सब पॉइंट्स को नोट करो, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको कवर की जाएंगी। इनको अच्छे से याद रखिए क्योंकि आप जो भी आने वाले एग्जाम देने वाले उसमें ये क्वेश्चन आपके काम आएंगे। मैडम स्टार्ट करें। हेलो एस्पायरर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फीफा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है ये पूरी दुनिया में बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत पॉपुलर एक गेम है और हमारे एग्ज़ाम के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल बन ही जाएगा इस साल। तो जैसा कि आपको पता है कि फीफा 2018 रशिया में इस साल संपन्न हुआ और इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड इसमें से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे फीफा वर्ल्ड कप से, सबसे पहले इसके लिए देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहला तो आपको फीफा का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। अक्सर एग्ज़ाम्स में हम करंट की चीज़ें तो पढ़ लेते हैं कि इतने गोल हुए हैं, इसको बेस्ट गोल्डन ग्लव मिला हुआ है या फिर कौन सी टीम ने बेस्ट परफॉर्मेंस किया है एक्सेट्रा, लेकिन बैकग्राउंड उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फर्स्ट गेम की, जो पहला प्ले किया गया है, किन कंट्रीज़ के बीच में हुआ है, कहाँ हुआ है एक्सेट्रा। सेकेंड सेगमेंट जो आपको इम्पॉर्टेंट रोल होगा वो होगा ट्रॉफी का, यानी कि ट्रॉफी जो बनी हुई है उसमें कितने कैरेट का गोल्ड है, कितना उसका वेट है और कितनी उसकी हाइट है, इस तरह के क्वेश्चंस भी अक्सर आते हैं एग्जामिनेशंस में। थर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो रहेगा आपका वही फीफा है 2018, यानी इसके हाइलाइट्स जो होंगे, टोटल कितनी टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, कितने ग्रीन येलो कार्ड्स दिखाए गए हैं, टोटल कितने गोल हुए हैं, इस तरह के कई क्वेश्चंस आपको कवर करने चाहिए। उसके बाद आते हैं अदर। अब अदर में क्या आएगा, अदर में जो भी चीज़ें छूट रही हो, यानी कि जैसे कि हेडक्वार्टर्स वगैरह हो गया, फीफा का कहाँ है या इस फीफा ट्रॉफी को पहले किस नाम से जाना जाता था, ये तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हुए। लेकिन जब आप UPSC जैसे एग्जामिनेशंस में जाते हैं तो करंट की चीज़ें जो होती हैं वो किस तरह से लिंक की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो फाइनल था वो था फीफा में फ्रांस और क्रोएशिया के बीच में, दोनों यूरोपियन कंट्रीज अच्छी तरह से हम जानते हैं। अब यहाँ पे जो क्रोएशिया कंट्री है वो सराउंडिंग किस बाउंड्री से घिरी हुई है, उसके चारों तरफ कौन कौन से उसके नेबर कंट्रीज हैं या फिर पास में कौन सा सी है, ये मेरिडियन सी है, किससे घिरा हुआ है, ये सभी बातें जो होती हैं ये अदर्स में आ जाती हैं, जो डायरेक्ट आपके फीफा कप से रिलेटेड तो नहीं होती, लेकिन हाँ फीफा कप की वजह से वो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2018 जो कल में संपन्न हुआ, इसके बैकग्राउंड से। जैसा कि फीफा कप का पूरा नाम है इंटरनेशनल डे फुटबॉल, ओके। और जब हम फुटबॉल की बात करते हैं जो कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय गेम में से एक है, ये फुटबॉल का बर्थ प्लेस क्या है, यानी कि इसका जन्म कहाँ से हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि इसका बर्थ प्लेस जो है वो इंग्लैंड है, इंग्लैंड से फुटबॉल की शुरुआत मानी जाती है, ओके। और जब फीफा की बात करते हैं तो क्या फीफा शुरू से ही एक कब से ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि जब 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग थी तो ये फीफा वर्ल्ड कप कौन से नंबर का था, 21st फीफा वर्ल्ड कप था, ओके। 21 नंबर बहुत शुभ माना जाता है, 11-21 इक्यावन, तो ये याद रखना आसान होगा, 21st वर्ल्ड फीफा वर्ल्ड कप था। और जब हम पहले की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये देखिए कि फीफा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इस्टेब्लिश कब हुआ है। तो ये इस्टेब्लिश होता है कहाँ, सबसे पहले कहाँ पर, ये होता है 1904 में, ओके। 1904 में क्या हुआ था, फीफा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इस्टेब्लिश हुआ था। अब इसके बाद ये जो फीफा 1904 में इस्टेब्लिश हुआ और जो गेम पहला खेला गया वो कहाँ पे हुआ, ये गेम सबसे पहले होता है जिस कंट्री में, जो कंट्री इसको होस्ट करती है उसका नाम है उरुग्वे। क्या नाम है, उरुग्वे। उरुग्वे में सबसे पहले फीफा को होस्ट किया जाता है, कब किया जाता है,
ये होता है 1930 में, 1930 में उरुग्वे में पहला फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था। अब इस हिस्ट्री में से, क्योंकि पहला गेम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट मैच था, याद रखिएगा फर्स्ट मैच की बात कर रही हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड की फीफा में फाइनल कप की नहीं, तो जो फर्स्ट मैच था ये किन किन कंट्रीज के बीच में हुआ था, ये कंट्रीज थी फ्रांस और वर्सेस हुआ था मॉस्को। ओके, तो फ्रांस और मॉस्को के बीच में पहला वर्ल्ड कप होता है। इसके बाद जो फाइनल मैच है, फाइनल मैच कौन सा, फर्स्ट वर्ल्ड कप का। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड फीफा कप की बात हो रही है, तो पहला जो फर्स्ट जो मैच हो रहा है फर्स्ट वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप का, ये फर्स्ट मैच किस किस के बीच में होता है, ये होता है आपके फ्रांस वर्सेस मैक्सिको। ओके, तो फ्रांस वर्सेस मैक्सिको के बीच में पहला मैच होता है, और जो यहाँ का फाइनल मैच है, ये फाइनल मैच हो रहे हैं अर्जेंटीना और उरुग्वे के बीच में, उरुग्वे और अर्जेंटीना। इसमें से जब पहला मैच हुआ था, इसमें फ्रांस ने 4 स्कोर किया था गोल और मैक्सिको का 1 था, जबकि फाइनल मैच में उरुग्वे ने 4 और अर्जेंटीना ने 2 गोल किए थे, यानी टोटल 6 गोल हुए थे। तो इस तरह से हमने अभी क्या देखा, फीफा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री। अब जैसा कि आपने पहले वर्ल्ड कप फीफा की बात देख ली, जिसमें कि फाइनली कौन विनर होता है, उरुग्वे। तो पहला एक हमारा ये सेगमेंट ख़त्म, यानी कि इसकी हिस्ट्री ख़त्म। 1904 में स्टार्ट होता है, 1930 में पहला मैच हो रहा है, और उरुग्वे पहला ऑर्गेनाइज्ड या होस्ट कंट्री बनता है फीफा के, वो ऑर्गेनाइज करने वाला और उस मैच को जीतता भी है। इसके बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, तो ये संभावना बनती है कि पूछा जाए कि अभी तक में सबसे ज़्यादा जो गेम जीता है उस कंट्री का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है कि ये है देश ब्राज़ील। ओके, ब्राज़ील ने अभी तक सबसे ज़्यादा मैच जीते हैं, कितनी बार, 5 बार। ये 5 बार कम मैच इन्होंने जीता है ब्राज़ील ने। तो याद रखिएगा कि 1958 में, 1962 में, 1970 में, 1994 में और 2002 में ब्राज़ील ने क्या किया है कि ये मैच फीफा वर्ल्ड कप को, यानी 5 बार सबसे ज़्यादा इसने जीता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जिसने मैच में पार्टिसिपेट किया है वो कंट्री कौन सी है। तो अभी कल रात तक तो फीफा की वेबसाइट में, fifa.com में ये चीज़ें अपडेट नहीं हुई थी। 2014 तक के डाटा के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो था, यानी कि लगभग 20 बार ब्राज़ील ही ऐसी कंट्री है जिसने कि क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। ओके, और जब हम 2018 जो फीफा रिसेंट में हुआ है उसे इंक्लूड कर देंगे तो 21 हो जाएगा, यानी कि टोटली 21 बार सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेटेड कंट्री है फीफा में वो कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी ब्राज़ील। इसके बाद इसके जो रनअप हैं वो जर्मनी और इटली हैं। अब इसी में से नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जब हम फीफा की बात कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि ये इतनी बार 5 बार जीता है ब्राज़ील। ओके, 2018 का फ्रांस विनर रहा है। अब क्या ऐसा कभी हुआ बीच में कि फीफा वर्ल्ड कप नहीं खेला गया हो? जी हाँ, जैसे कि अक्सर मैच में ये टाइम हमें याद रखना है कि जब दुनिया में, आपको याद है वर्ल्ड वॉर की बात, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है उस टाइम पे, चाहे वो ओलंपिक की बात हो या फिर फीफा की बात हो, कई बार क्या गेम कैंसल हो जाते हैं। तो जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो जो फीफा था ये 1942 में और 1946 में, ओके, कब कब, 1942 में और 1946 में, ये 2 साल ऐसे थे जबकि फीफा नहीं किया गया, यानी फीफा गेम ऑर्गेनाइज नहीं हुआ। तो इस तरह से फीफा वर्ल्ड कप का कुछ एक्स्ट्रा हमने सेगमेंट्स देखे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखना है कि फीफा का जो हेड क्वार्टर क्या है, वो कहाँ पर है, बताइए, गेस कीजिए। हेड क्वार्टर है आपका स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में, नाम याद रखना है, स्विट्जरलैंड में फीफा वर्ल्ड कप का हेड क्वार्टर है। अब अगला जो हमारा सेगमेंट है वो ट्रॉफी या कप, यानी फीफा वर्ल्ड कप में
जो ट्रॉफी दी जाती है इसमें से भी क्वेश्चंस आने की चांसेस हैं, जैसे कि हो सकते हैं कि पूछा जाए कि इस ट्रॉफी की हाइट जो होती है वो कितनी होती है। तो आपको याद रखना है कि ये है 36.8 सेंटीमीटर। कितनी हाइट है? 36.8 सेंटीमीटर। फिर हो सकता है कि इसका वेट पूछा जाए कि ये कितने किलोग्राम की होती है। तो इसे याद रखना है कि ये इसका जो वेट है वो है 6.1 किलोग्राम। देन जब फीफा वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं तो मेनली गोल्ड कप की ही बात करेंगे, तो गोल्ड कप में जो गोल्ड होता है वो कितने कैरेट का यूज़ किया जाता है, तो याद रखना है कि इसमें जो गोल्ड इम्पोज होता है वो होता है 18 कैरेट। ओके, कितना होता है? 18 कैरेट गोल्ड इसमें से यूटिलाइज किया जाता है। इसके अलावा जब ये ट्रॉफी, अभी जैसे कि 2018 फीफा वर्ल्ड कप फ्रांस ने जीता, तो आपको हो सकता है कि पूछा जाए, जैसे कि आपको पता ही है कि फर्स्ट जो टॉप मोस्ट कंट्री जिसने इस गेम को जीता वो फ्रांस है, सेकेंड रनअप रही है आपकी क्रोशिया, और थर्ड जो प्लेस था जो सैटरडे को गेम हुआ था उसमें इंग्लैंड को हरा करके बेल्जियम ने थर्ड पोजीशन प्राप्त की। तो इनको कितना कितना अमाउंट मिला? तो आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट कंट्री है, यानी कि जब हम फ्रांस की बात कर रहे हैं, तो फ्रांस को जो टोटल रुपीज़ मिले हैं हुए हैं वो हैं 256 करोड़। कितनी? 256 करोड़। इसी तरह से सेकेंड पोजिशन पर रही है क्रोशिया, तो क्रोशिया को कितने रुपीज़ मिले हैं? 189 करोड़। ओके, कितने? 189 करोड़। और जब थर्ड पोजीशन की बात करते हैं, यानी कि जिसमें बेल्जियम रही है, तो बेल्जियम को कितना मिल रहा है यहाँ पे अमाउंट? ये है 162 करोड़ रुपीज़। कितना? 162 करोड़ रुपीज़। ओके, तो इस तरह से ट्रॉफी की बात। अब ट्रॉफी में से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, इस ट्रॉफी का नाम फीफा कप पहले नहीं था, तो फिर क्या था? याद रखिएगा, यदि कभी प्रश्न आए कि फीफा को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसका जो ओल्ड नेम है वो है रीनेट कप। क्या नाम है? रीनेट कप। यानी कि वर्ल्ड फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी को पहले रीनेट कप से नाम से जाना जाता था। इसकी हाइट होती है 36.8, वेट होता है 6.1, और ये 18 कैरेट गोल्ड से मिलकर के बना हुआ होता। अब इस सेगमेंट में फीफा का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसे देखेंगे, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि फीफा वर्ल्ड कप यदि रशिया में हो रहा था, तो उससे फाइनल जो मैच है वो किस स्टेडियम में खेला गया? तो आपको पता है कि इस स्टेडियम का नाम है ल्यूनझिंकी स्टेडियम, मॉस्को। ओके, LUZHNIKI, ल्यूनझिंकी स्टेडियम एट मॉस्को। इसके अलावा आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है फीफा वर्ल्ड कप में, वो याद रखना है कि गोल्डन बूट किसे मिला है। तो याद रखिएगा, ये हैरी केन है। इसके अलावा हैरी केन के अलावा नाम में क्या याद रखना है कि किस कंट्री से रिलेटेड है? अक्सर कुछ PCS एग्जामिनेशन ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो गोल्डन बूट मिला हैरी केन को, जो कि इंग्लैंड के कैप्टन है। इन्होंने टोटल 6 गोल्स किए थे। कितने गोल किए हैं इन्होंने? 6 गोल्स किए हैं। ओके, देन गोल्डन ग्लव की बात करेंगे तो ये मिला है थिबॉट कोर्टोइस को मिला है, जो कि बेल्जियम के हैं, और इन्होंने कितने सेव्स किए थे? टोटल 27 सेव्स किए। देन गोल्डन बॉल की बात करते हैं, ये मिला है ल्यूका मॉड्रिक को, जो कि क्रोशिया से रिलेटेड है। और गोल्डन बॉल में इन्होंने ये याद रखना है आपको कि 1987 से इंट्रोड्यूस हुए हैं गोल्डन बॉल को प्राइस को देना, उसके पहले ये प्राइस नहीं दिया जाता था। फिर फीफा यंग प्लेयर अवार्ड मिला है किलियान एम्बाप्पे को, जो कि फ्रांस के हैं। ये सिर्फ 19 साल के हैं, इससे पहले 17 साल के पेले को ये खिताब के लिए जाना जाता था। अभी टीनेजर्स में फर्स्ट फीफा यंग प्लेयर अवार्ड किलियान एम्बाप्पे को दिया गया है फ्रांस के। देन जो फेयर प्ले ट्रॉफी है वो स्पेन को दी गई है, और जो टॉप गोल स्कोरर टीम है वो है बेल्जियम, क्योंकि बेल्जियम ने लगभग यहाँ पे बेल्जियम इसमें टॉप स्कोरर टीम रही है। और इसके अलावा पूरा का पूरा जो फीफा वर्ल्ड कप है, ये इसमें लगभग 64 मैचेस क्या किए गए, खेले गए। इसके अलावा आपको एग्जामिनेशन पर्पज़ से ये याद रखना है कि इस इम्पोर्टेंट सेगमेंट के अलावा आपको जो पता होना चाहिए मेन बात, वो ये है कि टोटल कितने रेड कार्ड दिखाए गए, टोटल कितने गोल हुए। तो जो टोटल नंबर ऑफ गोल्स था इस मैच में वो था 169। कितने गोल हुए थे? 169।
इसके अलावा जो येलो कार्ड थे इनका नंबर क्या था? येलो कार्ड जो दिखाए गए वो था 219। इसके अलावा रेड कार्ड भी दिखाए गए जो कितने थे, टोटल नंबर था रेड कार्ड का 4। ओके, 4 रेड कार्ड दिखाए गए थे। अब इस फीफा वर्ल्ड कप के लास्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे कि जब फीफा की इसकी बात कर ली तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि अगले साल यानी कि जो नेक्स्ट फीफा है वो कब होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फीफा जो होता है वो हर 4 साल के बाद होता है। ओके, तो 18 में हुआ है यानी कि नेक्स्ट फीफा जो होगा वो कब होने वाला है? 2022 में होगा। और ये कहाँ होगा? ये कतर में होगा। ओके, कतर में इसकी तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा फीफा का जो फाइनल हुआ था जो कल रात हुआ है, तो फीफा फाइनल में एक बात फिर से सारी बातों को दोहराते हुए ये याद रखिएगा कि यहाँ पे फ्रांस वर्सेस क्या था, फ्रांस वर्सेस क्रोशिया था। और इसमें से फ्रांस जो हुआ है ये विनर रहा है, जिसने 4 गोल किए थे और क्रोशिया ने टोटल 2 गोल किए थे। ओके, तो 4-2 से क्या हुआ, फ्रांस यहाँ पे विनर रहा। और एट द लास्ट थिंग कि इसमें से हमने पहले क्या बात की थी, जब पहला लास्ट फीफा देख रहे हैं तो पहला फीफा रिवाइज कीजिए, तो पहला फीफा जो होस्ट कंट्री थी जिसका नाम था उरुग्वे, उरुग्वे ने ही क्या किया था, उरुग्वे ने ही यहाँ पे उस टाइम पे विनर रहा था। आपको मेनली इस फीफा के लिए शुरू का बैकग्राउंड और लास्ट का जो मैच हुआ है उसको समराइज करना है। तो एक बार पूरी की पूरी चीज़ें हाईलाइट्स में देखते हैं। नंबर 1, फीफा वर्ल्ड कप का इस्टेब्लिशमेंट होता है 1904 में। सबसे पहला मैच खेला जाता है 1930 में उरुग्वे में। पहला जो मैच विनर है फर्स्ट फीफा का वो बनता है उरुग्वे। ओके, और उसके बाद 1942 और 46 में वर्ल्ड वॉर की वजह से कोई भी मैच नहीं होते। और जो 2018 का फीफा वर्ल्ड कप है वो रशिया में खेला जा रहा है। रशिया में इस मैच में फाइनली विनर बनती है फ्रांस की टीम। और 1998 में यानी अभी से लगभग 20 साल पहले फ्रांस जीती थी और फिर से दूसरी बार उसने इतिहास को दोहराया और 20 साल बाद फिर से उसने फीफा वर्ल्ड कप को जीता। तो आपको पूरे सेगमेंट्स में से इसका फीफा का बैकग्राउंड, ट्रॉफी के बारे में, गोल्डन बूट यानी कि जितने भी अवार्ड्स मिले हैं फीफा 2018 के, उसको अच्छे से याद रखना है। विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।